अपना स्टेशन। चलो भाई ओजस कहाँ रह गए? ओ ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर और हम मैं बड़ा ब्लॉगर। ये लो है ना। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, और यहाँ गुजरात टूरिज्म का जो है एक स्टॉल भी लगा हुआ है, तो इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्योंकि शाम को मैं निकलूँगा सोमनाथ के लिए, तो तब तक के लिए दिन भर यहाँ क्या करेंगे, अहमदाबाद में कौन सी बेस्ट प्लेस रहेगी वो जानते हैं। तब मैंने बताया कि अभी हम सोमनाथ के लिए, मेरे पास रात को ट्रेन है, और अभी आप मैम कौन सी बेस्ट प्लेस बता रहे हैं? एक तो साबरमती आश्रम जा सकता हूँ, कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर। अच्छा, और अक्षरधाम मंदिर वो 22 किलोमीटर से जाएगा। अच्छा, यहाँ से 22 किलोमीटर है एयरपोर्ट से? जी जी। तो ज़्यादा टाइम ये अक्षरधाम कब, मतलब ओपन कब होता है? ओपन होता है 10 बजे और रात को 10 बजे तक। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये ले जाऊँ सर? अरे वाह, तो फाइनली हमने जो है टैक्सी कर ली है, और टैक्सी करके हम जो जो है अभी हम जाएंगे साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम के बाद में फिर तय करेंगे कि अक्षरधाम जाना है या कहीं और जाना है। तो टैक्सी जो है वो 400 रुपीज़ लगेंगे टैक्सी के, ये खाल जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। चलते हैं फिर टैक्सी को, हमारी सवारी चल पड़ी अब साबरमती आश्रम की ओर। टैक्सी हमारी माता जी गुस्से में ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सरदार पटेल जी की मूर्ति देखने को मिल रही है। जैसा अभी हम लोग गांधी आश्रम आए हैं, ये देखते क्या लिखा है, वस्त्र विद्यालय। गांधी जी डाक लिखते हुए, गांधी जी मोहन टू महात्मा। गांधी जी के बारे में और भी चीज जानते हैं। गांधी जी के भी सोटो सीधे फोटो ये आश्रम सिंह जी 18 साल से कम आयु के जब समय के पत्र है गांधी जी के, अधिक आयु के। अच्छा, गांधी जी का भी सारे पत्र दे रखे हैं स्मारक के तौर पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटी, आचार, सुचिता, स्वास्थ्य, अनटचेबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, वुमन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड,
वोकेशनल लर्निंग, स्वदेशी और स्वच्छता, इतना बढ़िया लिखा है। मैंने जात पात नहीं पानी मांगा, अरे बहुत बढ़िया। तो ये हम आश्रम में हैं, अभी यहाँ बैठेंगे, पानी आने पिएंगे। ये आश्रम ये पुराने जमाने के कबीलू है, लेकिन डबल डबल कबीलू है। इधर है साबरमती नदी और इधर है साबरमती आश्रम। चप्पल पहन कर नहीं जाना उधर। ये है प्रार्थना भूमि, उपासना मंदिर में। तो अभी हम हैं गांधी आश्रम में, गांधी जी की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी। तो काफी कुछ जाना हमने गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, फिर भी हमने कुछ नई चीज आज मैंने जानने की कोशिश की, देखी, बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा उस? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जानते हैं और भी चीजें, प्रोफेट ऑफ जेंटलनेस। अच्छा, गांधी जी की दैनिक प्रवृत्ति है। अच्छा, चित्र विभाग। अच्छा, यहाँ कौन कौन आया है? क्वीन एलिजाबेथ आई हैं, जवाहरलाल नेहरू आए हैं, दलाई लामा आए हैं, राजीव गांधी आए हैं, मेरी रॉबिन्सन, शंकर दयाल शर्मा, नेल्सन मंडेला, हिलेरी रोडम क्लिंटन, है ना, इंद्र कुमार गुजराल, बिल क्लिंटन, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे मोदी जी, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, सुनीता विलियम्स, फिर प्रतिभा पाटिल, मार्टिन लूथर किंग, मोहम्मद हामिद अंसारी, जॉन पॉप्स केरी, प्रणब मुखर्जी, बान की मून, सी जिनपिंग। अच्छा, सी जिनपिंग मोदी जी के साथ में। फिर मेंबर ऑफ कांग्रेस यूएसए मनमोहन सिंह जी, आशीष संगे चौदह वांगचू, क्वीन ऑफ भूटान। अच्छा, और बच्चन साहब भी आए हैं, तो काफ़ी लोग आए हैं और आज हम भी आए हैं। चलते हैं चित्र विभाग में। गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, प्रार्थना शक्ति ईश्वर है। अच्छा, फिर है आपका रचनात्मकता कार्यक्रम का प्रतीक दांडी मार्च। फिर आगे बढ़ते हैं, अंतर्ज्ञाति हरिजन लग्न सेवाग्राम। किसने का बना है, कुछ दिया हुआ है। देखो गांधी जी के लेटर हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश, ये चलते हैं। बहुत सुंदर प्रदर्शनी है। पूरी प्रदर्शनी
गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जय भगवान जय श्री राम। चल आई बहुत और गांधी जी के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये गांधी जी का चरखा रखा हुआ है। कस्तूरबा गांधी जी दांडी यात्रा।